नमस्ते फ्रेंड, आज हम सीखेंगे चिकन मलाई टिक्का। अनन्यास किचन में आप हमेशा ही टेस्टी और काफी इजी रेसिपी सीखेंगे और ये रेसिपी आपको जरूर बेहद पसंद आएगी। इसके लिए हम लेंगे 250 ग्राम बोनलेस चिकन, इसमें 2 चम्मच दही डालेंगे और 1 चम्मच मलाई डालेंगे। काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, चाट मसाला 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, कसूरी मेथी थोड़ी सी, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 चम्मच, स्वादानुसार नमक। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो हरी मिर्च की चटनी थोड़ी सी और 1 चम्मच व्हाइट विनेगर, या फिर आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस मैरिनेशन को हम 1 घंटा ढककर रख देंगे या फिर इसको लैमिनेशन फॉइल से पैक कर लेंगे। एक घंटे के बाद हम लैमिनेशन फॉइल निकाल देंगे और इसे एक बार फिर अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस चिकन को शैलो फ्राई करेंगे। पैन गरम होने के बाद इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद इसमें हम स्क्यूट किए हुए चिकन डाल देंगे। अब इसे हम हाई फ्लेम
दो मिनट के बाद हम अब चिकन को पलट देंगे। आप देख सकते हैं कि चिकन पर बहुत अच्छे मार्क आए हैं। अब हम इसे 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे। 5 मिनट के बाद चिकन मलाई टिक्का तैयार है खाने के लिए। आप इसे प्याज और नींबू के साथ परोस सकते हैं, आपको ये बेहद पसंद आएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।